हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी ब्रेन्स। सो गाइस, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन विद्युत निर्माण कंपनी की तरफ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई है अप्रेंटिसशिप करने के लिए। बहुत अच्छा मौका प्रदान किया जा रहा है। तो गाइस, इसका आप डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट्स भर सकते हैं और जो है कब तक लास्ट डेट है, इन चीजों को हम लोग देखेंगे। बट उसके पहले गाइज, चैनल पे बहुत सारे जो है जॉब एंड अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है, आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए। टाटा स्टील की न्यू वैकेंसी आई हुई है खड़गपुर प्लांट से, बेयरिंग डिवीजन से। फिर टाटा मोटर्स की एक अगेन जो है लखनऊ डिवीजन से जो है जॉब ट्रेनिंग का जो है एक पोस्ट आया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर टाटा मोटर्स का टेम्पोरी ऑपरेटर पोस्ट की भी वैकेंसी है। तो बहुत सारी अपडेट्स हैं चैनल पे, देख लीजिएगा। और उसी तरह से देखिएगा तो JBVNL जो है आपका राजस्थान बिजली वितरण डिपार्टमेंट से जो है ग्रेड थर्ड, दैट मीन्स टेक्निकल हेल्पर का जो वैकेंसी आया हुआ है, आपका वायरमैन इलेक्ट्रीशियन इन सब का जो है ट्रेड भर सकते हैं, चेकआउट कर लीजिएगा जरूर। उसी तरह से रेलवे की बात करें तो आपका सेंट्रल रेलवे में भरने का अभी मौका है, आप भर सकते हैं। और जो है अप्रेंटिस से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज है। उसके बाद इसमें जो है आप लोग को और भी देखिए, MDSL का वैकेंसी है, फिर नवोदय विद्यालय का आया हुआ है, नीचे DRDO की वैकेंसियां हैं, तो देख लीजिएगा। कुछ कुछ का तो डेट्स भी लास्ट ओवर हो रहा होगा। फिर IOCL की रिक्रूटमेंट और जो है अप्रेंटिसशिप दोनों आया हुआ है, दोनों मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो चेकआउट कर लीजिएगा। इस चलिए हम लोग जो है बात कर लेते हैं कि जो NTPC की जो वैकेंसी दी गई है तो उसमें आप लोगों को क्या क्या मांगा गया है। तो गाइस, जैसा देख पा रहे हो कि मैं होम पेज पे ही हूँ और यहाँ कैरियर ऑप्शंस में जाकर के आप चीजों को डाउनलोड ऐसे कर भी सकते हैं। चलिए, मैंने PDF तो कर लिया है, आप लोगों को दिखा देते हैं तो कैसे अप्लाई करना है समझ जाइएगा। देखिए, ये रिहांद डिवीजन जो है इसका NTPC का, वहां से जारी किया गया है। तो गाइस, आपको पता होगा कि PSU सेक्टर में आता है ये, जहाँ की पेमेंट वगैरह सैलरी वगैरह सब आप लोग को बहुत अच्छा यहाँ पे मिलता है। और यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने से भी आपको एडिशनल बेनिफिट्स इन फ्यूचर मिल सकते हैं, इस वजह से आप कर सकते हैं यहाँ से। तो गाइस देख लीजिए, यहाँ पे जो है पास आउट जो है ITI से किए हुए हैं, उनका जो है प्रशिक्षण के लिए, उनको ट्रेनिंग के लिए 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप मांगा गया है। जहाँ की ट्रेड्स की मैं बात कर लूँ तो देखिए, फीटर ट्रेड हो गया, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो गया, उसके बाद फिर आपका जो है PAA SA है, फिर वेल्डर है गैस इलेक्ट्रिक से, और मशीनिस्ट का आया हुआ है। तो टोटल यहाँ वैकेंसी रिक्तियां भी देख सकते हैं, हालांकि कम ही है, बट हो जाना एक अच्छी बात है क्योंकि अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ से निकलता है। देखिए, 62 टोटल सीट्स हैं। अप्लाई कैसे कीजिएगा? तो गाइस, यहाँ पे आप लोग को जो NAPS पोर्टल है, जो है गवर्नमेंट का, जहाँ की अप्रेंटिसशिप के लिए आप रजिस्ट्रेशन जहाँ करते हैं, apprenticeshipindia.gov.in, इस पे आपको रजिस्ट्रेशन होना होगा। बहुत बच्चे तो कर भी लिए हैं, जो नहीं किए होंगे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कैसे किया जाता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी देखिए अंतिम तिथि क्या है, 20 फरवरी है। ऐसे में अभी आप लोग को दिखा भी देता हूँ अप्लाई कैसे करना है उन सभी चीजों को। बट उसके पहले गाइज, आपको जो है 20 फरवरी से पहले ये आवेदन तो करना ही है, बट जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा NAPS पोर्टल पे, आपको इन चीजों को रखना होगा। और जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये चीजें मांगता भी अपलोड कराने के लिए, जैसे कि हाई स्कूल या 12वीं का जो है प्रमाण पत्र, या फिर अंक पत्र, या फिर मार्कशीट जो कहते हैं, या पासिंग सर्टिफिकेट, ITI का पासिंग सर्टिफिकेट, और जो है आपका करेक्ट मार्कशीट सर्टिफिकेट, या जो आपका NTC सर्टिफिकेट, ये सब मांगा जाता है। फिर करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। फिर आपका जो है जाति निवासी जो हो गया वो मांगा जाएगा यहाँ पे, लाइक जो आपका कास्ट है। फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार और पैन, ठीक है। इसके साथ में आपको जो है बैंक का भी डिटेल्स देना पड़ता है। कुछ यदि देखिए कुछ प्रॉब्लम होता है तो 7120 जो है इस पे कॉल कर सकते हैं, बट ये नहीं लगेगा। आपको गूगल में जो है रिहांद का जो है पिन को आगे जो है स्टडी कोड STD कोड जो है वो ढूंढना होगा, उसके बाद इसको डायल कीजिएगा तब लगेगा। चलिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये नीचे में ये वही प्रोसेस दिया गया है, इसको हम लोग, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कैसे इसको अप्लाई करना है आपको। सबसे पहले गाइस, तो आपको जो है यहाँ पे जो है apprenticeshipindia.gov.in जो है इसको आपको खोल लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्रेशन में आपको करना होगा, रजिस्टर करना होगा यदि रजिस्टर नहीं किया तो। जैसे कि मैंने इस कैंडिडेट का किया हुआ रजिस्टर, तो यहाँ मैं सिंपली यहाँ पे इसको चेक मार्क जो है एक ओके करके लॉग इन कर लूंगा। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रोफाइल जो है आपको 100% कंप्लीट करना है, और 100% कंप्लीट धीरे धीरे होते जाता है। जैसे कि पहले आप अभी इनिशियल अपना जो है चीजों को भरिएगा, उसके बाद प्रोफाइल अब भरिएगा। देख लिए यहाँ पे, जैसे कि ये सारे डिटेल्स यहाँ पे डाले गए हैं इनका,
तो अभी इनका देखिए 100% है प्रोफाइल। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है ये एडुकेशन में अपना ऐड किए, प्रेफरेंस देखिए यहाँ पे अपना इन्होंने डाला है, आधार वेरीफाई कर रखा है, सबका जो है कुछ 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 पॉइंट्स मिलता है। जैसे कि आधार का बोलूं तो 20 मार्क्स मिलेगा, तब 100 जाके हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से प्रेफरेंस डालना होगा, इसका भी 10 आपका परसेंटेज बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको डालनी होती है। उसके बाद जो है एक आप लोग को और बात बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे आप लोग को जो है ना ये बैंक पासबुक जो होता है, ठीक है, उसका भी डिटेल्स आप लोग को यहाँ पे डालना होता है, तब जा करके आपका जो है ये फाइनली जो है 100% बनता है। तो आपको बैंक पासबुक का जो है यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने होंगे, ठीक है। चलिए अब इसको अप्लाई कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो आपको अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज इस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपको आ जाएगा सर्च बाय एस्टेब्लिश नेम। तो सर्च बाय एस्टेब्लिश नेम में आप देखिएगा पीडीएफ में तो रिहान RIHAND आपको सिंपली यहाँ टाइप करना है। तो एस्टेब्लिश नेम में आप टाइप कीजिए RIHAND। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा सर्च लेने लगेगा और NTPC देखिए रिहान आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक कर लेना है। इसमें जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ देखिए अपॉर्चुनिटीज दिख जाएगा, डेट वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। एक बात आपको बता दूं, देखिए फीटर का यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। और यहाँ अप्लाई करने का व्यू करने का आ रहा है, तो यहाँ देखिए डेट पुराना दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इस पे आप लोग को नहीं जाना है क्योंकि ये डेट जो है अपडेट नहीं हुआ, इस वजह से जो है यहाँ पैसा दिखाया जा रहा है। बट रिहान से देखिए यहाँ पे जो डेट है आप लोग को दिखा दूं, तो ये डेट कब पोस्ट किया गया, तो 5 फरवरी को किया गया है रिहान वाले जो है NTPC से। तो यहाँ पे आप अप्लाई सिंपली कर सकते हैं, प्रोफाइल कंप्लीट 100% होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है आपको। उसके बाद सिंपली आपको अप्लाई कर देना है। उसके पहले आप व्यू भी कर सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है, देख लीजिए यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे NTPC रिहान देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्ट्रेशन टाइप ऑपरेटिंग स्टेट्स 1 हो गया, रजिस्ट्रेशन टाइप गवर्नमेंट हो गया, वर्किंग डेट 7/3, सारे डिटेल्स यहाँ मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th बेसिस यहाँ बोला गया है, ठीक है। ड्यूरेशन 25 मंथ का दिखाया जा रहा है, बट गाइज यहाँ पे ये पहले का ही होगा, इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है। बट आप लोग का भी मैंने नोटिस दिखाया ये ITI बेसिस पे है। तो सिंपली आपको अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी पे क्लिक कर देना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। सिंपली यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, लोकेशन यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ओके कर देना है आपको। देखिए क्या आया यहाँ पे, अप्लाई सक्सेसफुली, है ना। तो ये अप्लाई हो चुका। उसी तरह से यदि आप जो है दूसरे डेट से हैं, बिलोंग करते हैं, तो वहां पे आप फिर से नीचे में सर्च कर पाइएगा, तो आपको अदर सब भी फिर से वैसे ही दिखने लगेगा, मतलब जो अदर डेट्स, ठीक है। देखिए मैं फिर से दिखा दूंगा आपको। तो इसको फिर से ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे हम लोग, NTPC आ गया। अब यहाँ नीचे स्क्रॉल कीजिए तो देखिए वेल्डर का है, फिटर का है, ठीक है। उसके बाद रिहान लोकेशन से है ना, फिटर का ऊपर भी था, फिटर का आपका ये लोकेशन का था, यूपी का था, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन का देख लीजिए, ये डेट्स अलग अलग डेट्स में पोस्ट किए गए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे PAA करके जो था उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है आप इस तरह से अप्लाई कर पाइएगा, 6 अपॉर्चुनिटीज दिखाया जा रहा है, अप्लाई कर दीजिए। इसमें पैसा वैसा तो लग नहीं रहा है, सिंपल है। और सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको मेल कर दिया जाएगा और इसमें भी आपको मैसेज आ जाएगा, फोन में आ जाएगा मैसेज, ठीक है। तो गाइस बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, सिर्फ अप्रेंटिसशिप इंडिया पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो अप्रेंटिसशिप इंडिया पर रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा और अदर भी अपडेट जो चैनल पर बहुत सारी ITI से जुड़ी हुई, लाइक जो भी कोई बच्चा ITI में पढ़ाई कर रहा है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है चैनल पे। और जॉब अप्रेंटिसशिप रिलेटेड आप लोगों को टाइम टू टाइम मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो देखते रहिएगा चैनल को, जो है ये प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप इस बीच में अपना टाइम टू टाइम जो है चेक करते रहिए, हर दिन अपडेट्स आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है वीडियो पसंद आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ही लेना है और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि कुछ कमी लग रही होगी तो डिस्क्रिप्शन जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन बॉक्स में। तो थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।